हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका नाम है द लोटस बाय सरोजिनी नायडू। एक बहुत ही शानदार छोटा सा एक सोनेट है जो कि देशभक्ति से भरा हुआ है और बहुत ही मेटाफोरिकल सोनेट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सोनेट को। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सोनेट है द लोटस, ये सरोजिनी नायडू जी का एक वर्क है, द ब्रोकन विंग स्टोरीज ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915 to 1916। ये इस इनका जो पोइट्री कलेक्शन था द ब्रोकन विंग, उसमें पब्लिश हुआ था। आपको पता है नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनका जन्म तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। ये जो पोम है इसके अंदर लोटस को उन्होंने मेटाफर के रूप में यूज किया है और वो मेटाफर है महात्मा गांधी जी के रूप में। उन्होंने लोटस की जो इमेजरी है उसे महात्मा गांधी जी से कनेक्ट किया है। आपको पता है सरोजिनी नायडू जी महात्मा गांधी की बहुत बड़ी एडमायरर थी, इसलिए उन्होंने ये जो पोम है वो डेडिकेट भी उनको की है और इसमें उन्होंने महात्मा गांधी जी को लोटस साथ कंपेयर किया है। चलिए अब फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि वैसे जो सरोजिनी नायडू है उनकी पोइट्री पर इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स का इन्फ्लुएंस है, लेकिन उन्होंने इंडियन एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, जैसा कि इस पोम में भी आप देख सकते हैं। एक सोनेट है ये, और वैसे आपको मैं बता दूं लोटस यानी कि कमल का फूल। लोटस जो है उसे हम माँ लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा जी, विष्णु जी सबके साथ अटैच करते हैं, और ये एक नॉलेज का सिंबल है, ये ब्यूटी का, क्रिएशन का, प्योरिटी का सिंबल है। और इस पोम में उन्होंने जब इसे मेटाफर के रूप में यूज़ किया है तो उन्होंने ये बताया है कि गांधी जी जो थे, जैसे लोटस जो है वो सब्लिमिटी का हाईएस्ट पीक का सिंबल था, उसी तरह महात्मा गांधी जी भी अपने थॉट्स, अपने एक्शन में सब्लिमिटी के एपिटोम थे। तो और इस पोम को उन्होंने जब महात्मा गांधी जी को डेडिकेट किया है तो नेचुरली इस पोम के अंदर आपको महात्मा गांधी जी के वर्चुज दिखाई देंगे और देशभक्ति से भरी हुई पोम है। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे उन्होंने कहीं भी महात्मा गांधी जी के नाम का कोई जिक्र नहीं किया है, बस उन्होंने गांधी जी को लोटस से कंपेयर किया है। और आपको पता है इंडिया में लोटस को हम बहुत पवित्र मानते हैं क्योंकि देवी देवता से जुड़ा हुआ है। अब ये कहती है ओ मिस्टिक लोटस, ओ रहस्यमय, मिस्टिक मतलब होता है रहस्यमयी, लोटस के फूल वो सैक्रेड है, पवित्र है, वो सबलाइम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे फिर कहते हैं इन मिरियाड पीटल ग्रेस इन वॉयलेट, मिरियाड मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, असंख्य, पीटल होती पत्तियां। वो कहते हैं कि जैसे कमल के फूल की असंख्य पत्तियां होती हैं और ग्रेस इन वॉयलेट, उसी तरह से वो कहती हैं कि कमल के फूल की असंख्य पत्तियां होती हैं, इसी तरीके से वो कहती हैं महात्मा गांधी जी के अंदर बहुत सारे गुण हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। गांधी जी वाज़ ए मैन ऑफ एक्शन, ही वाज ए मैन ऑफ थॉट। तो वो कहते हैं कि जैसे गांधी जी के कमल के फूल की बहुत सारी पत्तियां हैं, उसी तरह से हम गांधी जी के गुणों की कल्पना नहीं कर सकते, उनमें बहुत सारे गुण थे। सुप्रीम ओवर ट्रांजिएंट स्टॉर्म्स ऑफ ट्रेजिक फेट, ट्रेजिक फेट, फेट अति लक, किस्मत, ट्रेजिक मतलब दुखी, जो दुखी किस्मत है उसके जो ट्रांजिएंट होते हैं, ट्रांजिएंट का मतलब होता है ब्रीफ, छोटे छोटे, उनके ऊपर दुखों के छोटे छोटे से तूफान जो हैं उनके ऊपर गांधी जी हमेशा सुप्रीम रहे, उनके ऊपर हमेशा से वो जीतते रहे। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे गांधी जी के अंदर बहुत सारी क्वालिटियां हैं और वो इनवॉयलेट है, इनवॉयलेट मतलब अनचेंज, जितनी मर्जी परेशानियां आई गांधी जी कभी भी बदले नहीं, हमेशा से वो जैसे थे वैसे की वैसे ही रहे, उन्हें आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो अमर हैं। जैसे दुखों के छोटे छोटे तूफान उनके ऊपर आते रहे और उन तूफानों को वो जीतते रहे, जैसे कमल का फूल डीप रूटेड इन वाटर्स ऑफ ऑल टाइम,
हमेशा वो पानी के अंदर, हर समय वो पानी के अंदर गहरे जड़े जमाए रहता है, उसी तरह गांधी जी भी हमेशा इमोर्टल रहते हैं रहेंगे। वैसे ये जो फर्स्ट टू लाइंस है ये एड्रेस कर रही हैं, और सेकंड टू लाइंस जो हैं ये रफ वेदर को बता रही हैं। व्हाट लीजियन लूज्ड फ्रॉम मैनी अ फार ऑफ क्लाइम। अब ये कहते हैं कि, अब वैसे देखिए लीजियन मतलब होता है क्राउड, भीड़। लूज्ड फ्रॉम मैनी अ फार ऑफ क्लाइम, फार ऑफ मतलब बहुत दूर की जगह, क्लाइम मतलब प्लेस, दूर दराज के स्थानों से आपके ऊपर बहुत सारी भीड़ आई। किसकी भीड़ आई? ऑफ वाइल्ड बी, जंगली मधुमक्खियाँ की, यानी देश द्वेश के ऊपर अंग्रेजों ने अटैक किया। हॉर्ड्स विद लिप्स इन सेटिएट, लिप्स इन सेटिएट मतलब इनसेटिएट मतलब था नेवर सेटिस्फाइड। अब वो ये कहती है कि जो भी हमारे ऊपर भीड़ आई, वो कहता है कि आप दूर दूर से हमारे ऊपर, दूर दूर के स्थानों से हमारे ऊपर जंगली मधुमक्खियों की जो भीड़ आई, जिनके जो लिप्स थे वो इनसेटिएट थे, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते थे। इसका मतलब ये है कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर आए थे ना, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते थे, उन्होंने हमेशा देश को लूटने की कोशिश की। मैंने आपको बताया कि पोम जो है सिंबॉलिक है, इसमें आपको अपने आप सिंबल्स का मतलब निकालना पड़ेगा। एंड हंग्री विंड्स विद विंग्स ऑफ होप और हेट, और यहाँ पर क्या है जो जो हवाएं चली वो भी भूखी थी, और जो हवाएं किसकी थी, या तो हेट की थी या होप की थी, यानी कि गांधी जी के से या तो लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते थे या गांधी जी को बहुत ज़्यादा नफरत करते थे। ये जो हवाएं हैं यानी आम जनता है, हैव थ्रोंग्ड एंड प्रेस्ड राउंड दाई मिराकुलस प्राइम, और इन इन इस भीड़ ने आकर तुम्हें क्या किया है, जो तुम्हारी मिरेक्युलस प्राइम है, प्राइम मतलब जीवन है, उसको उन्होंने आकर चारों तरफ से थ्रोंग मतलब घेर लिया है, दबाना शुरू कर दिया है। टू डिवास्टेट दाई लवलीनेस, वो जो वो क्या चाह, वो ये जनता क्या, ये अंग्रेज और ये लोग क्या चाहते हैं, ये डिवास्टेट होता है हिला दे, वो तुम्हारा जो लवलीनेस, तुम्हारा जो चार्म, तुम्हारा जो करिश्मा है उसको हिलाना चाहते हैं। टू ड्रेन दाई द मिडमोस्ट रैप्चर ऑफ दाई ग्लोरियस हार्ट, वो जो तुम्हारा ग्लोरियस हार्ट है, तुम्हारा जो, क्योंकि गांधी जी हमेशा जनता को प्यार करते थे, उनका जो ग्लोरियस हार्ट है उसका जो रैप्चर, रैप्चर होता है खुशी, जो आपके हार्ट की जो सबसे ज्यादा खुशी है उसको ड्रेन करना चाहते हैं, उसको ये खींचना चाहते हैं। अब जो लास्ट वाली चार लाइन है, इन चार लाइनों के अंदर, इस पार्ट के अंदर उन्होंने गांधी, इस पार्ट के अंदर नायडू जी ने जो अंग्रेज हैं जिन्होंने देश को ऊपर अटैक किया, देश को लूटा, उनको क्रिटिसाइज कर रही है, और लास्ट पार्ट में वो गांधी जी की को लॉर्ड ब्रह्मा से कंपेयर कर रही है। उनका ये मानना है कि गांधी जी तो अमर हैं, वो कभी भी देश उनको कभी भी नहीं भूलेगा, और इस तरीके से वो एक तरीके से वो लॉर्ड ब्रह्मा के इक्विवेलेंट आ गए हैं। ठीक है, बट हु कुड विन दाई सीक्रेट, पर वो कहते हैं कि कौन तुमसे जीत सकता है। हु अटेन दाइन एजलेस ब्यूटी बॉर्न ऑफ ब्रह्मास ब्रेथ, कि कौन आपसे जीत सकता है, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी की सांस, आपकी जो एजलेस ब्यूटी है वो ब्रह्मा जी की सांसों से जन्मी, जो ब्रह्मा जी की यहाँ से निकला वो अमर है, यानी गांधी जी एक इमोर्टल अमर व्यक्ति हैं। और प्लक दाइन इमोर्टलिटी, कौन आपकी अमरता को खींच सकता है। हु आर्ट को इवल विद द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, कौन जो है जो जीवन और मृत्यु के देवता हैं उनके साथ कौन कंटेम्परेरी हो सका है, कंटेम्परेरी मतलब कौन उनके साथ रह सका है। देखिए गांधी जी, इन्होंने बताया, गांधी जी को उन्होंने ब्रह्मा जी से कंपेयर कर दिया, उनके इक्वल बता दिया है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, ये जो सोनेट है ये एक मिल्टोनिक सोनेट है। ठीक है, पहली आठ लाइंस ऑक्टेव हैं और जिन लास्ट वाली फोर लाइन
पहली एक लाइन ऑक्टेव है, उसके बाद एक ससेट है, लास्ट वाली फोर लाइनों में उन्होंने गांधी जी को ब्रह्मा जी से कंपेयर कर दिया है। ऑक्टेव की अगर हम राइम स्कीम की बात करते हैं, ABBA ABBA, ससेट की राइम स्कीम की बात करते हैं, CDE CDE, और ये जो लाइंस है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है, एक्सीलेंट पोएम है। अब मैं आपको इसके कुछ और बात बताता हूँ। देखिए जो मेन लाइंस हैं इसकी, कि एक तो इन्होंने गांधी जी को मिरियाड पेटल ग्रेस कहा है, जिसमें इन्होंने गांधी जी के बहुत सारे गुणों को बताया कि जैसे कमल की बहुत सारी पंखड़ियाँ होती है, ऐसे गांधी जी के बहुत सारे गुण हैं। लोटस की जो ब्यूटी प्योरिटी और सेंसिटी है, उसे इन्होंने गांधी जी की पर्सनैलिटी के साथ में अटैच कर दिया है। और लोटस जो है, जैसे इन्होंने बताया कि लोटस जो है वो ट्रांजिएंट स्टॉर्म ऑफ ट्रेजिक फेट से अनइफेक्टेड रहता है, उसके ऊपर वक्त के जो थपेड़े उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उसी तरह नायडू ये कहते हैं कि गांधी जी भी हैं वो, हालांकि अंग्रेज उन्हें बहुत दबाते रहे लेकिन फिर भी वो काम करते रहे। लास्ट के अंदर गांधी नायडू ने गांधी जी की एक पवित्र इमेज बताई है उन्होंने, और क्योंकि उन्होंने ये माना है कि जो गांधी जी की वो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट थी वो एक टाइमलेस लीगेसी है, हमेशा हम जब तक हम रहेंगे तब तक हम याद रखेंगे, कभी भी हम गांधी जी को भुला नहीं सकते हैं। गांधी जी की पर बहुत कम पोइम्स लिखी गई हैं जिसमें ऐसी इमेजरी मेटाफर या सिंबोलिज्म का यूज किया गया और जिसमें थ्रू इमेजरी उनकी पर्सनैलिटी को बताया गया हो। तो इसमें जो देखिए ये जो पोएम है, ये नायडू की क्रिएटिव एबिलिटी और गांधी जी के प्रति उनका जो सम्मान है उसको शो करती है। इस तरह की जो पोएम्स हैं इन्होंने गांधी जी को बहुत पॉपुलराइज किया और उसके कारण बहुत सारे लोगों ने उनकी फिलोसफी को फॉलो करना शुरू किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वंदे मातरम, भारत माता की जय।